हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष गर्ग, वेलकम टू वी प्लस यू एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पेपर के बारे में, जो एचपीएससी लेक्चरर पेपर हुआ था हरियाणा का 11 जून को 2022 को। इसके कुछ दिनों बाद ही इसकी आंसर की आ गई थी, जिसमें एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हैं आंसर की में और कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअली पेपर में भी है, जिसके कारण अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके मतलब इनवैलिड हो जाते हैं। तो हम आज उसी 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यदि वे 10 क्वेश्चन यदि आपके हटा दिए जाते हैं पेपर में से, तो अराउंड 90 क्वेश्चंस बचते हैं जिसमें से आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। इस पेपर के बारे में बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस सारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली क्यों क्या मिस्टेक्स हैं उन क्वेश्चंस के अंदर, और हम कैसे चैलेंज कर सकते थे पहले, अब तो नहीं लेकिन हम अपना आइडिया ले सकते हैं कि कट ऑफ कितनी होने वाली है उससे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पेपर। सो वी हैव दिस एचपीएससी पेपर विद माई सेल्फ ऑफ दिस इज अवर माई सेट डी, दिस इज सेट डी। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है वी प्लस यू अकेडमी। टेलीग्राम चैनल यदि आपके पास एग्ज़ाम पेपर नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वी प्लस यू अकेडमी, वी प्लस यू अकेडमी। सो बेसिकली हम बात करने वाले उन क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चंस है, जो जिसमें कुछ प्रॉब्लम है जो मैं देख पा रहा हूँ, तो वो है एवरेज डेली वाटर कंजप्शन वाले क्वेश्चन में। ये इस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है डी सेट के अंदर। सो बेसिकली इसमें आपको दिया गया था एवरेज डेली वाटर कंजप्शन, एवरेज डेली वाटर कंजप्शन गिवन है आपको 20,000 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, क्योंकि ये डेली है तो हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब पर डे। तो पीक अवरली डिमांड इसमें आपसे पूछा गया था, तो सिंपली फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं पीक अवर डिमांड शुड बी इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज। क्यू एवरेज कितना आपका 20,000, और इसमें क्योंकि आंसर पर हवर में गिवन है, ये आपका पर डे में आएगा क्योंकि यहाँ पर पर डे हमारे पास, तो पर अवर के लिए आपको 24 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर क्यूब पर अवर आएगा यहाँ से। तो इसका जो आंसर आएगा यदि ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो आएगा 2,250 क्यूबिक मीटर पर आवर, बट एक्चुअली ये कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ये वाला ऑप्शन आपका, इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल है ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि गलत है। तो ये क्वेश्चन आपका चैलेंज हो सकता था पहले तो, लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग है जो हटना चाहिए एज पर अकॉर्डिंग टू मी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ डाउट है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 इन द सेट डी। इसमें क्या है, हाइड्रोलिक जंप हाइट इन अ स्टीलिंग पूल गिवन है आपको, सॉरी इन अ स्टीलिंग पूल आपको स्केल गिवन है, दैट इज 1:20। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, स्केल गिवन है आपको 1:20 एंड आपसे आपको बोला गया है स्टीलिंग पूल में जो डेप्थ है वो 90 mm है, द डेप्थ इज 90 mm इन द स्टीलिंग पूल। आपको बताना था इसके अंदर प्रोटोटाइप की हाइट क्या होगी। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 90 × 20, डेट इज 1800, क्योंकि mm में है तो यहाँ पे 1800 mm। लेकिन आंसर एक्चुअली कोई इसमें भी कोई आंसर गिवन ही नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शंस में 4.5 mm, 3600 mm, 1.800 mm एंड 180 mm। तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, जो ऑप्शन गिवन है उसमें ये ऑप्शन गिवन है 1.800, जो कि एक्चुअली रॉन्ग है। तो ये भी आप चैलेंज कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन ये भी आप चैलेंज कर सकते हो। मूविंग टू द 11th क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ये था आपका स्ट्रीक लाइन का क्वेश्चन बेसिकली। इसमें बोला है एन इनर प्रेशर इज इंटरजेक्टेड कंटिन्यूसली फ्रॉम अ पॉइंट इन एन अनस्टेडी फ्लो फील्ड, और बोला गया था लोकस ऑफ अ लोकेशन
ऑफ ऑल प्रेशर पार्टिकल एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो ये होता है आपका स्ट्रीक लाइन, इसे क्या बोलते हैं स्ट्रीक लाइन, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, इसे बोलते हैं स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीक लाइन। बट एक्चुअली जो ऑप्शन गिवन है वो गिवन है स्ट्राइक लाइन, ऑप्शन जो गिवन है वो है स्ट्राइक लाइन, ऑप्शन गिवन है स्ट्राइक लाइन, जो कि कुछ होता ही नहीं है, जो कि उसका अपना कोई मतलब है ही नहीं। तो इसका यदि ऑप्शन होना चाहिए था तो स्ट्रीक लाइन होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिमूव हो सकता है। लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के कारण हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन ही इसका टिक किया होगा, स्ट्राइक लाइन ही टिक किया होगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें पूरी कंसेप्ट की ही प्रॉब्लम है फोर्थ क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है ऑब्जर्व मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई वॉज गिवन एज 185 डिग्री। लेट मी राइट इट हेयर, दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव गिवन मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई डेट इज 185 डिग्री एंड लोकल अट्रैक्शन ऑफ प्लस 1.5 डिग्री, लोकल अट्रैक्शन दिया है हमें प्लस 1.5 डिग्री। सो इसमें पूछा गया है यदि डेक्लिनेशन आपका 3.5 डिग्री ईस्ट है तो आपकी ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ओ ही क्या होगी। डेक्लिनेशन कितना है, डेक्लिनेशन है हमारे पास 3.5 डिग्री ईस्ट, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है इसके अंदर ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई तो ये क्या वैल्यू होगी ये हमें बताना। बेसिकली लोकल अट्रैक्शन प्लस 1.5 डिग्री है, मिस्टेक यहाँ हो रही है, कुछ स्टूडेंट इसमें 186.5 डिग्री कर रहे हैं और कुछ 183.5 डिग्री मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई बनता है आपका। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, यदि देखिए ये हमारी लाइन ओ ई है, दिस इज अवर लाइन, सॉरी 185 डिग्री है ना, तो ये हमारी लाइन ओ ही है 185 डिग्री इफ दिस इज अवर ई पॉइंट। सो आपको बोला है कि इस पॉइंट के ऊपर लोकल अट्रैक्शन प्लस 1.5 डिग्री गिवन है, तो मतलब क्या हुआ इस बात का, लोकल अट्रैक्शन प्लस 1.5 डिग्री गिवन है, तो आपका एक्चुअल मैग्नेटिक बियरिंग कितनी होगी। ये यदि हमारा नॉर्थ है तो एक्चुअल मैग्नेटिक बियरिंग आपकी 183.5 डिग्री होगी, 183.5 डिग्री होगी, ना कि 186.5 डिग्री। सो आप यहाँ समझ सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एक्चुअल मैग्नेटिक बियरिंग एट दैट पॉइंट ऑन लाइन ओ ई। और आपको बोला गया है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 3.5 डिग्री ईस्ट है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ट्रू बियरिंग जब आप निकालोगे तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन प्लस में मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ दैट पॉइंट, ऑफ दैट पॉइंट और दैट लाइन। तो यदि ये सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3.5 डिग्री प्लस 183.5 डिग्री, दिस विल गिव्स अस 187 डिग्री। बट एक्चुअली जो आंसर गिवन है आंसर की के अंदर, वो गिवन है आपका 190 डिग्री, आंसर गिवन है 190 डिग्री। तो जो कि आपका रॉन्ग आंसर है, तो ये भी आपका चैलेंज होना चाहिए था क्वेश्चन, यदि आपने चैलेंज किया है तो ये क्वेश्चन भी आपका ठीक होगा। तो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जैसे कि इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अ प्लस 1.08% ग्रेड मीट्स अ माइनस 0.7% ग्रेड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड फॉर 30 मीटर डिस्टेंस इज 0.05 एंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व विल बी। इन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व बतानी है, गिवन क्या है, लेट मी रेज दिस, दिस इज अवर सिक्स्थ क्वेश्चन बाय द वे। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है प्लस 0.8 डिग्री, दिस इज 0.8% सॉरी, एंड माइनस 0.7%,
दिस इज माइनस 0.7% और 0.7%। माइनस का मतलब है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, सो दिस इज 0.7%। एंड दे हैव सेड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड फॉर 30 मीटर डिस्टेंस इज 0.05। इट शुड बी 0.05%, नॉट 0.05। सो मिस्टेक हियर इज ऑफ परसेंटेज, परसेंट नहीं दिया है वहाँ पे। यदि परसेंट दिया होता तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे? ये आपका बन जाएगा 1.5% एंड यू हैव गिवन 30 मीटर फॉर 0.05%। तो आप इजिली 30 × 1.5 / 0.05 इसको जैसे सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 900 मीटर, जो कि एक्चुअली आंसर गिवन भी है, बट क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसलिए इसको चैलेंज कर सकते थे। सो दिस इज अवर 16th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इन द टैली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गिवन है आपको, एक रोड दी है आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 इन माई सेट, दिस इज और 7th नंबर सीरियल नंबर। एक रोड दी है जिसकी लेंथ आपको L गिवन है, जिसकी लेंथ L गिवन है और इसके अंदर फोर लेंथ L बाई टू, डायमीटर D है आपका। यदि मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं एंड समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे समझ लीजिए, तो इसमें क्या गिवन है? इसमें फोर लेंथ L बाई टू, डायमीटर D गिवन है। दिस डायमीटर इज D, सॉरी इस ये डायमीटर 2D है। एंड फॉर रिमेनिंग लेंथ L बाई टू द डायमीटर D इज गिवन, दिस इज D, दिस इज D। यू हैव टू टेल द मैक्सिमम स्ट्रेस इफ P लोड इज एक्टिंग हेयर, इफ द पुल ऑफ मैग्नीट्यूड P इज एक्टिंग हेयर। मैक्सिमम स्ट्रेस बताना था आपको, तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू आप यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका पी लोड, ये आपका पी लोड। ऐसे ही आप जब सोल्व करोगे इसका तो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा इसका पी बाई पाई बाई फोर। हमें ये डिनोमिनेटर का जो है वो हमें छोटा चाहिए ताकि हमारे मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा आए। ये छोटा कब होगा? जब हम छोटा डायमीटर लेंगे, तो छोटा डायमीटर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई बाई फोर डी स्क्वेयर। सो सोल्व करके क्या आएगा? 4π/π d² दिस इज अवर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। बट द आंसर गिवन, जो आपका की में आंसर गिवन है वो गिवन है 16p, की में जो आपका आंसर गिवन है वो है 16p/π d² जो कि रोंग है, जो कि आपका रोंग है, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको गिवन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल रेंट सैलरी प्रॉपर्टी टैक्सेस इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट। तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको जो जो मैंने बताया। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पेड ऑन, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पेड ऑन टैक्सेस देन वी हैव रेंट सैलरी एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था डायरेक्टली। सो बेसिकली इसमें ये प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें कुछ फैक्टर डायरेक्ट कॉस्ट के हैं, कुछ फैक्टर इनडायरेक्ट कॉस्ट के हैं। जैसे ये डेप्रिसिएशन जो होता है आपका, वो इंक्लूड करते हैं हम इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड ऑन टैक्सेस, कैपिटल, रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, दिस ऑल आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट सैलरी क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे आपने एम्प्लॉय को देते हो, तो ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। सो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते डायरेक्टली कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है। जो ऑप्शंस गिवन है इसके अंदर,
उसमें जो सही ऑप्शन माना है कमीशन ने, वो माना है इसका इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि चार फैक्टर तो वही है, तो लेकिन एक्चुअल आंसर शुड बी एनीथिंग दैट इज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो ये क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट है, तो एक हम चैलेंज कर सकते थे। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन जो डिस्प्यूट में गिवन है, आपको बोला गया है दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 43 इन सेट डी, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इंडिया में, हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर टेकन फॉर AQI, कितने पोल्यूटेंट्स लिए जाते हैं AQI के लिए। 9th नंबर क्वेश्चन AQI से रिलेटेड है आपका। तो ये एक्चुअल में जो जनरल शॉर्ट टर्म की बात करें तो टोटली 8 पोल्यूटेंट्स हम लेके चलते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म, और यू कैन से लॉन्ग टर्म का मतलब है यहाँ पर दिस इज ऑफ अ ईयर रिकॉर्ड, एक साल का पोल्यूटेंट्स का एवरेज रिकॉर्ड जो होता है उसके अंदर हम 12 एयर पोल्यूटेंट लेके चलते हैं, 8 हम लेते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, और पूरे ईयर का यदि आपको बताना है कि एक एवरेज AQI की वैल्यू क्या होगी, तो आप 12 पोल्यूटेंट के बेसिस के ऊपर आप वो जनरली बताते हैं। तो इस ऑप्शंस में आपको 8 भी गिवन था, 12 भी गिवन था, तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप क्या टिक करेंगे। तो मोस्टली लोगों ने 8 ही टिक किया है, बट पॉसिबल है इसका आंसर 12 भी हो, क्योंकि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर आपको 12 भी कहीं मिल जाएगा देखने को। तो ये भी क्वेश्चन डिस्प्यूट में है। तो ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप एफिशिएंसी रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको काफ़ी एग्जाम्स में ये मिला भी होगा, जैसे UPSC में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, फिर हमें ये क्वेश्चन ESC में भी मिल जाएगा देखने को, सेम क्वेश्चन है ग्रुप एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपको पहले। द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ अ पाइल ग्रुप विल बी ऑप्शंस है ऑलवेज लेस देन 100%, ऑलवेज ग्रेटर देन 100%, मोर देन 100% फॉर पाइल ग्रुप्स इन कोहेजन लेस सोयल एंड लेस देन 100% फॉर दोज इन कोहेजिव सोयल। तो एक ये ऑप्शन है और एक है नन ऑफ दी अबो। हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए और कैसे क्यों होना चाहिए। तो ये था हमारा एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप क्या होता है, डेट इज QUG बाई NQU इसमें है पाइल कैपेसिटी जो होती है आपकी ग्रुप की, और n टाइम्स ऑफ QU है पाइल कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल इनटू टोटल नंबर ऑफ पाइल्स। तो ये आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब इन कोहेजन लेस सोयल में कैसे ग्रुप एफिशिएंसी को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेवली सोयल है, तो ग्रेवली सोयल में आप यदि इफ दिस इज द पाइल्स 3x3 पाइल ग्रुप, इफ दिस इज 3x3 पाइल ग्रुप, नाउ इफ दिस इज द एस स्पेसिंग बिटवीन दिस पाइल, दिस इज द एस स्पेसिंग बिटवीन दिस पाइल एंड इट्स डायमीटर इज डी, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा D/2, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा D/2, तो ये हो जाएगा आपका 2s+d, एक साइड का डायमेंशन, दिस डायमेंशन इज 2s+d, सिमिलरली हेयर ऑल्सो। अब आपको पता है कि जो अल्टीमेट ग्रुप पाइल कैपेसिटी है, जो कंप्लीट ग्रुप की पाइल कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है आपकी स्पेसिंग के ऊपर। यदि आप स्पेसिंग इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उससे ये फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, और स्पेसिंग डिक्रीज करोगे तो ये फैक्टर आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, यदि स्पेसिंग बढ़ा दोगे तो आपकी ग्रुप एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, जो आपकी ग्रुप एफिशिएंसी है ग्रेटर देन 1 हो जाएगी इन केस ऑफ कोहेजन लेस सोयल, और यदि स्पेसिंग कम है तो आप लेस देन 1 हो जाएगी। बट इन केस ऑफ क्लेई सोयल, अब यदि क्लेई सोयल के बारे में बात करें, क्लेई सोयल के बारे में
क्ले सॉइल में क्या होता है, जो एक्चुअली ये आपके पास पाइल ग्रुप है, जैसे यही पाइल ग्रुप है, तो इसमें जो स्पेसिंग है आपकी, जो स्पेसिंग है, दिस इज अवर एस स्पेसिंग, एक पाइल की जो ये आपकी पाइल है मान लिया सॉइल के अंदर, इस पाइल के अंदर जो आइसोबार बनेगा आपका, जो आइसोबार बनता है इसके कारण, वो कुछ ऐसा बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है, फिर दूसरा आइसोबार होगा वो भी कुछ ऐसा बनेगा, वो भी कुछ ऐसा बनेगा। तो हमें क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, स्पेसिंग आपकी नॉमिनल स्पेसिंग पे भी कुछ ना कुछ आपका ओवरलैपिंग आपको आइसोबार के बीच में मिलती है। आइसोबार क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर जो है, जो इसके ऊपर लोड आ रहा है, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका कितना एरिया जो है अंडर द ग्राउंड कवर होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ओवरलैपिंग मिलती है। उस ओवरलैपिंग से ही प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका फैक्टर है, ये फैक्टर आपका ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सिंगल पाइल के कारण जो कैपेसिटी निकलती है वो ज़्यादा निकल के आती है, और QUG जो है ग्रुप पाइल कैपेसिटी है वो आपकी कम निकल के आती है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रुप एफिशिएंसी आपकी लेस देन वन रह जाती है इन केस ऑफ क्ले सॉइल और कोहेजिव सॉइल, इन केस ऑफ कोहेजिव सॉइल। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वैसे बनता है, इट विल बी मोर देन 100% और लेस इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ कोहेजिव सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल ग्रेटर देन 100% भी हो, लेस देन 100% भी हो, बट इन केस ऑफ कोहेजिव सॉइल इट इज़ ऑलवेज लेस देन 100%। तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने आंसर सी लगाया है, बट एक्चुअली इसका आंसर डी होना चाहिए, और आंसर की में भी इसका आंसर सी ही दिया है, तो आप शायद इसको चैलेंज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन यू कैन फाइंड आउट इन एनी बुक एज वेल। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर टेन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन है डायरेक्टली IS कोड की प्रोविजन से, जो भी आप चैलेंज भी कर सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है सेट डी में, इसमें बोला गया है RCC बीम एंड RCC बीम नॉट प्रोवाइडेड विद शियर रिन्फोर्समेंट मे डेवलप अ क्रैक इन इट्स बॉटम इंक्लाइंड रफली टू द हॉरिजॉन्टल एट, किस एंगल के ऊपर आपको क्रैक देखने को मिलेगी। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यदि ये हमारे पास बीम है कोई, दिस इज अवर बीम, दिस इज सपोर्ट। नाउ इफ देयर इज अ क्रैक डेवलप इन दिस सेक्शन ड्यू टू शियर के कारण, शियर क्योंकि हमारा सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा होता है, तो क्रैक सबसे पहले यहाँ पर डेवलप होगी। तो ये एंगल आपसे पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ देयर इज नो रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तो ये डायरेक्ट प्रोविजन है IS कोड का, IS कोड आप देख सकते हैं, उसमें डायरेक्ट क्लोज में लिखा है दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री होना चाहिए। तो एज पर द ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस गिवन है 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो नियरेस्ट आंसर जो होगा इसका 35 डिग्री होगा, आपका नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा 35 डिग्री। आप ये डायरेक्ट IS कोड से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट प्रोविजन है IS कोड में बीम वाले चैप्टर के अंदर, उसमें आपको मिल जाएगा ये 30 डिग्री इसका आपका एक्चुअल आंसर होता है, लेकिन रफली 35 डिग्री शुड बी द आंसर, बट आंसर की जिसमें आंसर दिया है 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट IS कोड से चैलेंज कर सकते थे। सो बेसिकली दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 84 एंड क्वेश्चन नंबर 11 विच कैन बी चैलेंज्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका प्लेट लोड टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको कोहेजनलेस सोयल में, जैसे ग्रेवली सोयल में आपको बोला गया है 600 mm square plate, आपको बोला गया है 600 mm square plate, दैट इज द विड्थ ऑफ प्लेट, एंड यू हैव गिवन दैट द सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज 15 mm, सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज 15 mm
अंडर अ लोड इंटेंसिटी ऑफ 0.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ सारी कंडीशन सेम रखने के बाद व्हाट विल बी द सेटलमेंट ऑफ अ 1 मीटर स्क्वायर फुटिंग। 1 मीटर स्क्वायर फुटिंग की सेटलमेंट बतानी है आपके, विड्थ ऑफ फुटिंग कितनी है 1 मीटर। विड्थ ऑफ फुटिंग आएगी आपकी 1 मीटर, तो आपको बतानी है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन और आप सेटलमेंट ऑफ फुटिंग बतानी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, दैट इज विड्थ ऑफ फाउंडेशन बाय विड्थ ऑफ प्लेट, विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 30 डिवाइड बाय विड्थ ऑफ फाउंडेशन प्लस 30 का होल का स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यूज हैं ये हैं इन सेंटीमीटर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से जब सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट टू 20.5 mm आएगा जो ऑप्शन में अवेलेबल है, 20.5 mm। बट जो आंसर गिवन है वो शायद ग्रेटर देन 25 mm गिवन है, डैट इज डी ऑप्शन। इट्स आंसर शुड बी 20.5 mm, बट द ऑप्शन गिवन इज मोर देन 25 mm, जो कि आपका रोंग है, जो कि एब्सोल्युटली रोंग। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12 विच कैन ऑल्सो बी रोंग इन द HPSC पेपर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट डी। आपसे पूछा गया है परमिसेबल लिमिट्स ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट की परमिसेबल लिमिट की वैल्यू बतानी थी आपको। इसमें ऑप्शन गिवन थे 0, 100, 150 ppm एंड 200 ppm। सो एक्चुअल आंसर जो इसका है वो है 45 ppm, बट नन ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल जिसमें, तो हमें मोस्ट सुटेबल आंसर क्या लग सकता है इसका, 0 ppm। बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसमें ऑप्शन ही नहीं गिवन है जो एक्चुअल आंसर है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 13, जो कि HPSC पेपर में आंसर की में भी गलत, आंसर की में मिस्टेक्स के कारण आप इसको रिमूव करवा सकते हो। सो आई थिंक दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर रॉन्ग इन द HPSC पेपर एंड विच कैन बी चैलेंज इन द पास्ट, बट आई मेक दिस वीडियो टू टेल यू दैट द 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर रॉन्ग इन दिस पेपर। सो यू कैन टेक एन एस्टिमेट दैट 87 क्वेश्चंस आर ओनली द करेक्ट क्वेश्चन, 87 क्वेश्चंस आर ओनली द करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 100। तो कट ऑफ भी जो जाएगी वो आप अकॉर्डिंग टू 87 मार्क्स आप लेके चल सकते हो। 87 में से जो कट ऑफ का आइडिया है वो अराउंड 72 या 75 मार्क्स के बीच के अंदर आपकी कट ऑफ जाएगी। 72 टू 75 मार्क्स आपकी कट ऑफ जानी चाहिए इस एग्ज़ाम की, जिसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।